रिडॉक्स रिएक्शंस को भी आगे क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। फिर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, जब एक रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है तो उसको डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। एक फिर से ज्यादा हाँ, एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाए तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, है ना। फिर ये कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाँ ये बताएंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये सारे जो है ये रिडॉक्स रिएक्शंस के टाइप है, फर्दर आगे टाइप्स है ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन, कॉम्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, ये आगे क्लासिफिकेशन है रिडॉक्स रिएक्शन के। तो वही पूछा है कि भाई ये क्या है, बताइए। सजेस्ट अ स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शंस। ये रिडॉक्स रिएक्शन हमको दी गई है, इनको बोलो फर्दर क्लासिफाई करके बताओ, ये बोला उसने, ठीक है ना। तो एक एक करके हम देखते हैं, पहले तो ये देखेंगे, ठीक है, पहले तो हमको यही देखना पड़ेगा कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, ये बात इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी कि रिडॉक्स रिएक्शन है। तो कोई रिएक्शन रिडॉक्स कब होती है, जब उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो, तभी तो होती है रिडॉक्स। यहाँ बताओ, एंड नाइट्रोजन का कितना, फटाफट बताते जब, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, एलिमेंट में 0 होता है ना, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन कितना आएगा, -2 होता है किसी कंपाउंड में, एलिमेंट में तो 0 होता है, के लिए भी अकेले में तो 0 होगा, एलिमेंट में कोई भी हो तो 0 होगा हमेशा। समझ में आई बात है, नहीं समझ आ रही तो स्ट्रक्चर बना के देखो, नहीं मैं तो और समझाऊंगा, ठीक है। ये है ना ऑक्सीजन, इसका स्ट्रक्चर ही होता है ना। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है तो क्या होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों बराबर बराबर बटेंगे, तो बराबर बराबर बटेंगे तो 2 इसको मिलेंगे, 2 इसको मिलेंगे, तो अब 6 हो गए ना ऑक्सीजन के पास, होते भी 6 हैं तो 0, ठीक है ना। एनओ में ऑक्सीजन का क्या होगा, रूल है -2, तो अगर इसका माइनस हो तो इसका +2 होगा ना, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, 0 से -2 रिडक्शन हो गया, नाइट्रोजन का 0 से +2 ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, नाइट्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, इसलिए जो रिएक्शन है ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अगली बात, ऑल्सो सिंस टू रिएक्टेंट्स इन एलिमेंटल फॉर्म आर कंबाइनिंग विद ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इट इज ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कंबाइन हो रहा है ना, तो दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। तो इसलिए ये एक कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है, सिर्फ कॉम्बिनेशन नहीं बोलना, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये देखो अब ना, ये आप कुछ आयन याद रखो, NO3 जहां दिख जाए वो नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन, ये आयन आपको याद रखना है, कुछ नाइट्रेट आयन है ये NO3-, ठीक है भाई। और ये लेड है, लेड नाइट्रेट है ना, तो ये कैसे बना देखो, लेड 2+ और नाइट्रेट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये फॉर्मूला बन जाता है PbNO3 twice, है कि नहीं, नहीं समझ मेरी बात। अब इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, एक्स मान लो, एक्स प्लस 3 × ऑक्सीजन का -2 होता है, चार्ज कितना टोटल, -1, तो एक्स कितना आ जाएगा बताओ, अच्छा मैं तो सिर्फ नाइट्रेट में निकाल रहा हूँ ना, +5 आ जाएगा, मैं सिर्फ नाइट्रेट में निकाल रहा हूँ, × 2 करना तो तुमको ऐसे करना पड़ेगा, लेड का 2+ लेना पड़ेगा, मैंने लेड नाइट्रेट में निकाला नहीं ना, देखो अगर लेड नाइट्रेट होता है ऐसे, ठीक है, तो लेड यहाँ +2 में है, अब लगाओ टोटल यहाँ पे +2 प्लस नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन का एक्स मान लो 2 × x प्लस ऑक्सीजन 6 या 6 × -2 = 0, यहाँ से भी एक्स जो आएगा +5 ही आएगा, इतना बड़ा क्यों करना है, लेकिन सीधा नाइट्रेट आयन का निकाल लो ना, समझ में ही बात है, नहीं समझ में क्या, लेड नाइट्रेट को तोड़ के मैंने लिख लिया लेड 2+ और 2 नाइट्रेट में, मैंने सिर्फ नाइट्रेट में निकाल दिया नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, बात तो वही है ना, +5 आया, ठीक है।
प्लस फाइव, प्लस फाइव से एनओ टू में तो प्लस फोर में होगा ना, है ना। और यहाँ पे ऑप्शन कितने में देखो, माइनस टू में, एनओ थ्री टू माइनस है ना, ये ऑप्शन यहाँ माइनस टू में है ना। यहाँ पे ऑप्शन कितने में है, एलिमेंट है तो जीरो में है ना। तो ऑक्सीजन की क्या हो गई, जीरो से माइनस टू ऑक्सीडेशन हो गई ना, और नाइट्रोजन की प्लस फाइव से प्लस फोर क्या हुई है, कम हो गया रिडक्शन। तो नाइट्रोजन इज रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड, इसलिए एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ऑल्सो सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेकिंग डाउन इन टू मोर देन वन प्रोडक्ट एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इन एलिमेंटल फॉर्म। तो एक रिएक्ट, एक ही रिएक्टेंट एक से ज्यादा कंपाउंड में टूट रहा है, उसमें से कम एक एलिमेंटल फॉर्म में है, उसमें से एक ना एक एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, यह है ना एलिमेंटल फॉर्म में O2, इसलिए एक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। इसलिए टोटल क्या हो गया, डीकॉम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। ये देखते हैं हम, ये है सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बताओ, हाइड्रोजन किसके साथ है, मेटल के साथ है, नॉन मेटल के साथ है, प्लस वन कैसे हो जाएगा, हाइड्रोजन का पूछ रहा हूँ, माइनस वन होगा, हाइड्रोजन का माइनस वन, एन ए का प्लस वन है ना। ये तो रूल है, तुमको पता है ये बात, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स के नाम बताओ, लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम है ना, ये ग्रुप वन के मेटल्स हैं, इनको पता है एल्कली मेटल बोलते हैं, तो इनका हमेशा प्लस वन होता है, तो सोडियम एल्कली मेटल है प्लस वन, हाइड्रोजन का माइनस वन, हाइड्रोजन जब भी मेटल के साथ तो माइनस वन में होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होगा, क्यों होगा प्लस वन, क्योंकि वो नॉन मेटल के साथ है, हाइड्रोजन जब भी नॉन मेटल के साथ होगा, नॉन मेटल हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हाइड्रोजन को प्लस वन में कर देगा, है ना। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है, जीरो, एलिमेंटल फॉर्म में जीरो होगा, है ना। यहाँ पे तो खैर ऑक्सीजन माइनस टू में ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस वन में है, सोडियम प्लस वन में, तो ये इसका तो कुछ नहीं हुआ, सेम ही रहेगा, इसलिए इसको नहीं देखा हमने यहाँ पे, इसको देखा। तो अब रिडक्शन किसकी हुई है, हाँ एच टू ओ रिड्यूस हो गया, और ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, एन एच, नहीं समझ में आ रही बात है। तो हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीडाइज हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन रिड्यूस हो गया, है ना। एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशी चेंजेस दिस इज ए रिडॉक्स। पहली बात तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, इसलिए एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है ना। तो कैसे हो रहा है, देखो ये ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर, इसको ऐसे लिखो, इसको तोड़ के लिख देते हैं, एन एच को लिख दो एन ए पॉजिटिव और एच नेगेटिव, एच टू को लिख दो ओ एच नेगेटिव और एच पॉजिटिव, ठीक है ना। एच टू में यही होता है ना, ओ एच नेगेटिव एच पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कर दिया हमने, इसका एच यहाँ भेज दिया, उसका एन ए यहाँ ले लिया, डिस्प्लेस कर दिया, मतलब इनका चेंज कर दिया, एन ए और एच का इंटरचेंज कर दिया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, एच प्लस ऊपर भेजा, एन ए प्लस नीचे मंगा लिया, तो एच एन ए प्लस नीचे मंगा लिया तो एन ए एच बन गया, एच प्लस और एच नेगेटिव कंबाइन करके एच टू बन गए, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। हाइड्रोजन ऑफ वाटर हैज बीन डिस्प्लेस बाय हाइड्राइड आयन, वाटर का हाइड्रोजन किसने डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्राइड आयन एच माइनस ने, और क्या बन गया, डाइहाइड्रोजन गैस, इसलिए ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसको क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। फिर एक तरह की रिएक्शन होती है कॉम परपोर्शनेशन रिएक्शन। कॉम परपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें सेम ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज होके और सेम ही एलिमेंट रिड्यूस होके सेम ही एलिमेंट बना दे, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और हाइड्रोजन ही रिड्यूस हो रहा है, और प्रोडक्ट वो दोनों प्रोडक्ट में एक ही कोई कंपाउंड बना रहे हैं, उसको कॉम परपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, कॉम परपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है ये हम देख रहे हैं। देखो एलिमेंट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ये रिएक्ट्स विद सेम एलिमेंट इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में था,
गिव एन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दोनों के इंटर माइनस वन और प्लस वन का इंटरमीडिएट कौन है, जीरो, ये दोनों कंबाइन करके एक इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेट बन गया, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोपोस्टेशन रिएक्शन। क्या? हाँ, ये कॉम्प्रोपोस्टेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, जिस इसमें एच एच माइनस ऑक्सीडाइज हो रहा है, एच प्लस रिड्यूस हो रहा है, और ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होकर दोनों सेम ही सब्सटेंस बना रहे हैं, ऐसा ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होकर डिफरेंट सब्सटेंस नहीं बना रहे, दोनों सेम ही सब्सटेंस, दोनों ने H2 बनाया, समझ में आई बात, इसने ऑक्सीडाइज होकर H2 बनाया, इसने रिड्यूस होकर H2, सेम ही सब्सटेंस बनना चाहिए दोनों का, और दोनों होने भी सेम ही एलिमेंट चाहिए, दोनों हाइड्रोजन ही होने चाहिए, दोनों सेम एलिमेंट होना चाहिए था, सेम ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो, सेम ही एलिमेंट रिड्यूस हो, और बने सेम ही कंपाउंड, समझ में आई बात, इसको बोलते हैं कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसलिए एक कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी होती है, क्योंकि हाइड्रोजन माइनस वन और प्लस वन से कहाँ जा रहा है, जीरो में जा रहा है, इंटरमीडिएट में जा रहा है, एक लोअर ऑक्सीजन स्टेट एक हायर ऑक्सीजन स्टेट, वो दोनों कंबाइन करके एक इंटरमीडिएट बीच का कुछ बना देते हैं, तो माइनस वन और प्लस वन के बीच में जीरो था, वो बन गया, समझ में ही बात है, आगे समझ में, हाँ देखो इसका उल्टा, कॉम्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा होता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यहाँ देखो यहाँ नाइट्रोजन प्लस फोर में है ना प्लस फोर में एनओ टू में, ये नाइट्राइट आयन है, नाइट्राइट नाम याद रखना, नाइट्राइट एनओ टू माइनस को नाइट्राइट आयन बोलते हैं, एनओ थ्री माइनस को नाइट्रेट, ओके, नाइट्राइट में नाइट्रोजन प्लस थ्री में है, नाइट्रेट में प्लस फाइव में है, समझ आ गई बात, प्लस फोर से प्लस थ्री होगी रिडक्शन, प्लस फोर से प्लस फाइव होगी ऑक्सीडेशन, अब सेम ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, सेम ही एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, NO2 ही ऑक्सीडाइज और NO2 ही रिड्यूस हो रहा है, इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एन एलिमेंट इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, एक एलिमेंट जो एक ही ऑक्सीजन स्टेट में हो इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड, एक साथ ही ऑक्सीडाइज भी हो जाता है और रिड्यूस भी हो जाता है, इस रिएक्शन में नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, इसलिए एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है, समझ में आ गई बात है,